हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आनंद मेरी बात सुन, उसको मीने को मार डाल, 10 लाख दूंगा। 1 लाख इंडियन रुपीज अभी तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए एज एन एडवांस। अरे दोस्ती में कैसा एडवांस, बात बता, ये बंदा है कौन जिसका काम तमाम करना है? कोई नाम वाम फोटो शोटो? मैं तुझे उसकी फोटोग्राफ्स अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी भेज दूंगा, पर ध्यान रहे कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो फिक्र मत कर आरके, नाम तो मेरा भी नहीं आएगा, हाँ तेरा काम जरूर हो जाएगा। हेलो पुलिस स्टेशन, हेलो। सुरगा शहर के एक कस्बे में एक सुपारी किलिंग को अंजाम दिया गया। विक्टिम था गारमेंट मैन्युफैक्चरर प्रेमवीर बाजवा, जिसकी तस्वीरें सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू हत्यारों तक पहुंचाई गई थी। सोशल नेटवर्किंग की मदद से की गई इस बेहद एंटी सोशल हरकत के पीछे कौन सा नेटवर्क था? सर मैं यहाँ पे बैठा था और बाजवा यहाँ पे बैठा था, हम लोग काम की बात कर ही रहे थे कि अचानक वो लोग यहाँ से अंदर आ गए। कितने लोग थे? बहुत सारे थे सर। बहुत सारे मतलब कितने? 3-4? ज़्यादा थे सर, शायद 6। सबने अपने मुंह पे गमछे बांध रखे थे। हथियार क्या थे उनके पास? कुदाल थी और फावड़ा। ए,
कौन तुम लोग? अंदर कैसे आए? अरे क्या चल रही है? भागो तुम! क्यों आए हो? और उसके बाद वो लोग सर बाइक पे भाग गए। बाइक्स के नंबर क्या थे कुछ याद है? नहीं, नंबर तो नहीं देख पाया मैं, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मैं कुछ देख ही नहीं पाया सर। देखिए शांत हो जाइए। सर इस वक्त कुछ भी पूछना मुश्किल लग रहा है। इन लोगों को बोलो बॉडी बाद में मिलेगी। जी सर। सर हॉस्पिटल की रिपोर्ट है सर। प्रेमवीर बाजवा को डॉक्टर ने डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर किया था। पोस्टमार्टम के बाद लास्ट फैमिली को सौंपते सर। फैमिली कुछ बोली? पत्नी कुलप्रीत और बेटी आंचल आए थे आइडेंटिफिकेशन के लिए। एक घंटे तक उनका रोना ही नहीं बंद हो रहा था। कुछ ही पूछना पॉसिबल नहीं था सर। अभी के लिए ब्लाइंड मर्डर केस करार दे दो और FIR दर्ज कर लो। 6 हथियारे थे, मुंह पर गमछा बांधे हुए, और मर्डर के लिए उन्होंने कुदाल और फावड़ों का इस्तेमाल किया। कुदाल और फावड़ा? मुझे भी सुनकर थोड़ा अजीब लगा था। एक अधेड़ उम्र के गारमेंट मैन्युफैक्चरर को 6 लोग कुदाल और फावड़ों से ढेर कर देते हैं। मतलब कौन था ये प्रेमवीर बाजवा और इसकी ऐसी भी क्या दुश्मनी थी? कौन था वो आदमी? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। हर इंसान की, आपकी, हमारी, सबकी पर्सनालिटीज के अलग अलग पहलू होते हैं। लोगों का एक पब्लिक मुखौटा होता है और एक प्राइवेट चेहरा। कभी कभी प्राइवेट चेहरे पर भी एक मुखौटा होता है, और पता नहीं मुखौटों पर भी कितने मुखौटे होते हैं। लोग क्या छुपाते हैं, क्या दिखाते हैं और ऐसा क्यों करते हैं, ये तभी पता चलता है जब कोई हादसा होता है। यहां तो एक कत्ल हुआ था, वो भी कुदाल और फावड़े से। किसने किस तरह की दुश्मनी निकाली थी? ये बहुत गुस्सेल दिमाग के थे, आए दिन किसी ना किसी पर गुस्सा हो जाते। मैं बहुत मना करती थी कि इतना गुस्सा उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, BP बढ़ जाएगा, पर नहीं। फिर मैंने तो इन्हें रोकना ही छोड़ दिया। जो भी कहते हैं बस हम लोग हाँ कर देते। उनको समझाते समझाते तो मुझे BP हो गया, और शुक्र भी। परसों सुबह जब आपके पति यहाँ से निकले थे तो फोन पर उनकी किसी से बात हुई थी या झगड़ा? जी फोन पर तो पता नहीं, पर मुझसे झगड़ा हुआ था। चाय में चीनी मिलाइए, चीनी में चाय। आप तैयार हो जाइए, मैं दूसरी बना दूंगा। चाय में इतनी चीनी क्यों मिलाई? गलती से दो बार डल गया। गलती से? या जानबूझकर, ताकि मुझे तेरी तरह डायबिटीज हो जाए? हाँ? तुम दोनों सुन लो, मुझे कुछ हो गया ना तुम दोनों सड़क पर आ जाओगे। पापा ये लैंडलाइन तो ठीक करवा दीजिए। क्यों, किससे बात करनी है? बोल बोल। हमारे लिए तो ये रोज का था। ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा जब हमारे घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें ना सुनाई थी। हमारे साथ साथ अब तो पड़ोसियों को भी आदत पड़ गई थी। कुलप्रीत, आंचल। हाँ जी। कल वाला सैंपल का? जी, कौन सा वाला सैंपल? अरे तुझे सब पता है, तूने ही छुपाया होगा। डोंट। जी मैं तो आपकी चीजों को कभी हाथ भी नहीं लगाती, मुझे क्या पता कौन सा वाला सैंपल। ज्यादा होशियारी मत कर। डोंट। डोंट सैंपल, मैं लेट हो रहा हूं ऑलरेडी। तू वहां खड़े खड़े तमाशा देख रही है? अलग से इनविटेशन दूं? SMS करूं कोई ईमेल शीमेल? चल डूड। मम्मा मैं कॉलेज जा रही हूँ। ज्यादा होशियार मत बन, कॉलेज बंद करवा दूंगा और किसी गन्ने काटने वाले से ब्याह करा दूंगा तेरा।
बढ़िया है कॉलेज जाने वाली, आंखें नीचे कर, चल ढोल। कौन से कॉलेज में पढ़ती हूँ आंचल? विद्या उन्नति गर्ल्स कॉलेज, फर्स्ट ईयर बीए कंप्यूटर साइंस। कुलप्रीत जी, आपके हस्बैंड की फैक्ट्री कहाँ पर है? जलदापुर। कोई बिजनेस ड्राइवर ही, आपको कुछ पता है इस बारे में? जी वो हमें कुछ भी नहीं बताते थे, हम दोनों से तो ऐसे पेश आते थे जैसे हम उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। किसी रिश्तेदार या भाई बहन से कोई अनबन जो इतनी बढ़ गई हो कि मर्डर करवा सके? रिश्तेदार में तो बस इनके एक बड़े भाई हैं, सुखबीर भाई साहब, जो कनाडा में रहते हैं। ये फैक्ट्री भी उन्होंने ही शुरू की थी, बाद में सब कुछ इनके नाम करके वो कनाडा सेटल हो गए। दोनों भाइयों के बीच किसी तरह की कोई अनबन? जी आंचल के पापा आग थे तो सुखबीर भाई साहब पानी। सुखबीर भाई साहब का रोज़ फ़ोन आता था, घंटों बातें होती थी दोनों के बीच। इनकी खबर सुनकर तो वो उन पर ही टूट पड़े। अच्छा कुलप्रीत जी, अगर आपको किसी एक आदमी पर शक हो तो सबसे पहले आप किस पर होंगे? ये सवाल का जवाब देना तो बहुत मुश्किल है सर, सारी दुनिया से तो दुश्मनी पाल रखी थी इन्होंने। साहब मार्केट में बड़ा कंपटीशन चल रहा है आजकल, छोटे से छोटी सुपारी की खबर भी सभी गैंग को लग जाती है। तो बाजवा की सुपारी किसने उठाई राजू? किसी भी गैंग ने नहीं उठाई साहब, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कोई नया गैंग भी तो हो सकता है? नया होगा तो बिल्कुल ही नया होगा साहब, और ये इनकी पहली सुपारी होगी। एकदम कंगाल गैंग, कुदाल और फावड़ा, बिल्कुल लो बजट हो जाता है साहब। अब कट्टा नहीं तो कम से कम तलवार और छुरे इस्तेमाल करते। आंख नाक कान खुले रख राजू। ठीक है साहब। राजू कह रहा था कि शायद किसी नए गैंग का काम, छह लोग। फावड़े और कुदाल का इस्तेमाल, एक आदमी को मारने के लिए छह लोग। सर शायद ये किसी गैंग का ही काम ना हो। आनंद बाकी का पैसा भी तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। मिल गया भाई, बैंक से मैसेज आ गए। क्या टेक्नोलॉजी है यार, लेकिन एक बात बताए, ये प्रेमवीर से तेरी क्या दुश्मनी थी? अब क्यों पूछ रहा है, दुश्मन के साथ साथ दुश्मनी भी खत्म। ये भी ठीक है। चाय में चीनी थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, इतनी सी बात को लेकर शोर मचाने वाला आदमी। सरजीत पता नहीं इस आदमी ने अपनी जिंदगी में कितनी दुश्मनियां मोल ली। और किसी ने दुश्मनी उस वक्त निकाली जब अपने काम के लिए विनोद अटवाल के पास गया था। शायद बिजनेस में कोई दुश्मन। सर मैं अगर उसका दुश्मन होता तो वो मेरे साथ बिजनेस क्यों करता? मैंने बताया ना आपको, वो काम से आया था यहाँ पे। बहाना अच्छा है, पहले खुद के ऑफिस में बुलाओ फिर मर्डर करवा दो, वो भी अजीब तरीके से, ताकि किसी को आप पर शक ना। नहीं सर, देखिए आप गलत शक कर रहे हैं मुझ पे। आप ही मुझे बताइए मैं आप पर शक क्यों ना करूं? छह लोग आपके ऑफिस में आकर बाजवा को मर्डर कर जाते हैं और आप उसे बचाने की कोशिश तक नहीं करते, फिर बड़े भोले बनकर हमें इतला करते। आप हमें जितना बता रहे हो इतना ही है, कैसे कुछ ज्यादा? देखिए सर, जो हुआ था मैंने आपको बता दिया था। दरअसल मैं बहुत डर गया था और सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। हाँ लेकिन एक बात मैं आपको बताना भूल गया था। आपको फोन करने के बाद जब वो लोग भाग रहे थे तो एक बंदे का गमछा सरक गया और मैंने उसका चेहरा देख लिया था सर। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर एक दो सेकंड के लिए दिख गया था, हड़बड़ी में मैं आपको बताना भूल गया। कौन था वो आदमी? मुझे नहीं मालूम। आप हमें उसका हुलिया बता देना, हम उसका स्केच बनवा लेंगे। लिया तो उतना याद नहीं है। हाँ लेकिन वो आदमी कभी दोबारा दिखाई दे तो शायद पहचान लूंगा। अच्छा बाजवा थोड़ा गर्म मिजाज आदमी था, उसके कभी आपके साथ बेमतलब का कोई झगड़ा, चीखना चिल्लाना? नहीं सर कभी नहीं, वो तो एकदम कट्टू कट आदमी था। आप उसके कपड़े एक्सपोर्ट करते थे ना? जी सर, ये हमारे कपड़ों की डिमांड अफ्रीका थाईलैंड जैसे देशों में है। कितने सप्लायर हैं? काफ़ी सारे हैं। क्यों, बाजवा की किसी दूसरे सप्लायर के साथ कोई अनबन? अनबन हाँ, मतलब एक तरीके से आप उसे अनबन कह सकते हैं। क्या हुआ था? संदीप आहूजा,
उस सप्लायर का नाम है संदीप आहूजा, वो एक बार बाजवा से यहीं भेड़ गया था, यहीं मेरे ऑफिस में। क्यों? अब देखिए सर, जैसे कि हम अलग अलग सप्लायर्स से अपना माल खरीदते हैं, उसी तरह सप्लायर्स भी अलग अलग एक्सपोर्ट कंपनियों को अपना माल बेचते हैं। कुछ बड़े एक्सपोर्ट कंपनियों के एजेंट भी होते हैं। अब संदीप आहूजा का कहना यह था कि बाजवा ने कुछ एजेंट्स को पैसे खिलाकर उसके ऑर्डर कैंसिल करवा दिए और उसकी जगह अपने ऑर्डर सस्ते में बेच दिए। कैसे सस्ता? बोलना बाजवा, सच है या नहीं? तूने मेरा ऑर्डर कैंसिल करवाया नहीं? मैं क्यों कराऊंगा? दिमाग का दही मत कर, दफा हो यहां से। देख रहा है ना, ट्वालर में काम की बात कर रहे हैं। फालतू चीजों के टाइम नहीं है मेरे पास। पर मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। तेरे छिछोरेपन का कोई सबूत नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे हाथ सबूत लग गया ना बाजवा, तेरी तो समझ बच गई, वो भी बुरी वाली। धमकी देकर किसे भाग रहा है? डरता नहीं हो तेरे ऐसों से? संदीप आहूजा क्या सच बोल रहा था? बाजवा ने उसके ऑर्डर्स वाकई में अंडरकट किए थे? मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मार्केट में खबर तो यही थी कि उसके बाद 3-4 दफे बाजवा ने ऐसा ही किया था आहूजा के साथ। लेकिन आहूजा भी अब एक अरसे से मेरे साथ बिजनेस नहीं कर रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसका एड्रेस है आपके पास या फोन नंबर? दोनों है मेरे पास। कॉम्पिटिशन और दुश्मनी के बीच की लकीर बड़ी बारीक और नाजुक होती है, और अगर ये लकीर जज्बातों या पैसों की बनी हुई हो तो दुश्मनी अक्सर जुर्म का सहारा लेती है। विक्टिम प्रेमवीर बाजवा की संदीप आहूजा नाम के आदमी के साथ बिजनेस राइवलरी थी। क्या यही कोई लकीर क्रॉस हुई थी या फिर कोई नई लकीर खींची गई थी खून से? आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। सर, अभी भी स्विच ऑफ है, सीधे घर चलते हैं। सर, फुल चांस है घर पे पक्का ताला लगा होगा, लेकिन पड़ोसियों के मुंह पर तो ताला नहीं लगा होगा ना। सुनो, आपका ये पड़ोसी संदीप आहूजा यहाँ नहीं रहता? नहीं, यही रहता है सर। वो एक्चुअली अपने ससुराल गया है किसी शादी ब्याह के सिलसिले में। कब तक लौटेगा, कुछ बता कर गया है? नहीं, ये तो खैर मुझे नहीं पता। वैसे कोई सूटकेस वगैरह लेके तो नहीं गया, तो शायद आज रात तक आ जाए। लेकिन बात क्या है? सॉरी, नहीं बता सकते। अब तो जो भी बताना है आहूजा हमें बताएगा। थैंक्स। सिंह, तुम घर पे नजर रखो। बस कुलप्रीत, हौसला रखो। अब हमारा क्या होगा भाई साहब? कैसी बात कर रहे हैं, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, मिलवाओ अपने हिसाब से, मैं भी तो जानू ऐसा कैसे उठा के ले आते हैं आप लोगों को। हद है यार, किधर है साहब आपके? बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि इतनी रात के जबरदस्ती मुझे क्यों लाया गया? बैठ जाओ संदीप आहूजा, नहीं तो लेटने के लायक भी नहीं रहोगे। उस आदमी का नाम, एड्रेस और फोन नंबर लिख कर दो जिसे तुमने सुपारी दी थी। मैंने सुपारी दी? क्या बात कर रहे हैं, किसकी सुपारी थी? उसने तुम्हारा बिजनेस खत्म किया, तुमने उसी को खत्म कर दिया। किसे? संदीप आहूजा, हमारे थाने में ना एक से एक बड़े एक्टर आते हैं और हम उनको सीधा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं और वो एक्टिंग छोड़ देते हैं हमेशा के लिए। अब तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें अवार्ड लेना पसंद है या फिर अपना जुर्म कबूल करते हो कि तुमने ही प्रेमवीर बाजवा को मरवाया। क्या प्रेमवीर बाजवा मर गया? कब? मतलब तुम्हें अवार्ड लेना पसंद है। देखिए, आप लोगों को जो करना कीजिए, पर पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, मेरी बाजवा से दुश्मनी थी, नफरत करता था मैं उससे, पर सर मैंने बाजवा को नहीं मारा है, बल्कि मुझे तो अभी आप लोगों से पता चला है कि उसका मर्डर हो गया है। लेकिन हमें तो सब पता है, तुमने ही बाजवा को मरवाया है, और वो भी इसलिए क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारे 3-4 ऑर्डर कैंसिल हो गए। 3-4 नहीं सर, पूरे 7। लेकिन सर मैं बाजवा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने ऐसा किया, क्योंकि जब मेरा माल खरीदने वाला कोई नहीं बचा तो मैंने रिस्क लिया और अपना माल खुद एक्सपोर्ट करने लगा। सर, ऊपर वाले की कृपा है, मेरी तो निकल पड़ी है सर। तुम्हारी निकल पड़ी तो तुमने उसकी सुपारी निकलवा दी? नहीं सर, ऐसा नहीं है। पर जब मेरा इतना अच्छा चल रहा है तो मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? कुल्हाड़ी नहीं, खुदाल और फावड़ों से मरवाया तुमने उसे। संदीप आहूजा, ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो और हम भी, कि दुश्मनी इतनी आसानी से नहीं भूली जा सकती। पैसे में बहुत ताकत होती है सर,
मेरे अंदर जो बदले की आग थी, पैसे ने उसको ठंडक दी। मेरा यकीन कीजिए सर, वो आग कब की बुझ चुकी है। पुलिस को चीफ सस्पेक्ट संदीप आहूजा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने प्रेमवीर बाजवा और संदीप आहूजा दोनों के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाकर उन्हें स्कैन किया, लेकिन एक भी नंबर ऐसा नहीं मिला जिस पर पुलिस शक कर सकती थी। मेरा भाई दिमाग से गर्म जरूर था, लेकिन दिल से बहुत ही नरम था। मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बहुत ज्यादा दिन तक नाराज रह सकता था। उसे इस तरीके से मार दिया गया, ये काम कोई पागल ही कर सकता है, या फिर हो सकता है कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी। जी नहीं, छह लोग एक साथ पागल नहीं हो सकते। और अगर ये मिस्टेकन आइडेंटिटी वाली बात है तो अब तक हमारे खबरी नेटवर्क को इसके बारे में पता चल गया होता। दरअसल आपके भाई का जो मर्डर हुआ है, ये किसी नए गैंग का काम। अभी तक इसके बारे में किसी को मालूम नहीं। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मेरा भाई ऐसा कोई काम नहीं कर सकता था जिसकी इतनी बड़ी सजा उसे दी जाए। आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ? कैसा? आपके अपने छोटे भाई प्रेमवीर के साथ किसी तरह की कोई अनबन, बिजनेस को लेकर कोई झगड़ा? अगर आप ही ने तो शुरुआत की थी इस बाजवा अपेरल्स की। जी हाँ, मैंने ही बिजनेस शुरू किया था, और अब किसी ने मेरे भाई को ही खत्म कर दिया। क्या फर्क पड़ता है ये जानकर कि हम दोनों के बीच कितना प्यार था। कितना प्यार था सुखबीर जी? कुलप्रीत और आंचल की जिम्मेदारी अब मेरी है। इतना प्यार था हम दोनों के बीच में। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? मुझे फ्लाइट के लिए देर हो रही। जी नहीं, अभी नहीं, लेकिन मुझे आपके कॉन्टेक्ट नंबर की जरूरत है। आंचल, इस घर में जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, मुझे सब लिख कर दे दो। सर, हमारे घर में एक लैंडलाइन है जो हमेशा खराब रहता है। इसके अलावा दो सेलफोन हैं, जिसमें से कि एक प्रेम का था जो इस वक्त आपके पास है, और दूसरा मेरा नंबर है। लिख कर दे दो। ओके, हौसला रखना कुलप्रीत, अपना ख्याल रखना। हैप्पी जर्नी सुखबीर जी। थैंक यू। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी जो रोज अपने छोटे भाई के साथ फोन पर बातें होती थी, कभी उन्होंने कोई हिंट दिया अपने टेंशन के बारे में? टेंशन किसे नहीं होती इंस्पेक्टर, लेकिन मेरा भाई हमेशा अच्छी ही बातें करता था। वो अपना दर्द किसी से बांटता नहीं था। महीने में एक आध बार मेरी उससे बात होती थी तो वो हमेशा खुश दिखाई देता था, कम से कम फोन पर तो ऐसा ही लगता था। टेंशन किसे नहीं होती इंस्पेक्टर, लेकिन मेरा भाई हमेशा अच्छी ही बातें करता था। वो अपना दर्द किसी से बांटता नहीं था। महीने में एक आध बार मेरी उससे बात होती थी तो वो हमेशा खुश दिखाई देता था, कम से कम फोन पर तो ऐसा ही लगता था। गाड़ी दो। क्या हुआ सर? अपने किसी खबरी को तुरंत काम पर लगाओ और बाजवा की पत्नी कुलप्रीत की अप टू डेट को लेने निकलो। जी सर। गाड़ी वापस घुमा लो, बाजवा के घर वापस जाना है, लेकिन अंदर नहीं जाएंगे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कुछ अटपटा सा लगा था। बातों बातों में कोई चोरी पकड़ी गई थी, कोई झूठ रोशनी में आया था,
सिर्फ इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान के सहारे केसेस सॉल्व नहीं होते, ठोस सबूत, मजबूत सुराग जरूरी होते हैं। पुलिस उन्हें इकट्ठा करने में लग गई। एक ब्लाइंड मर्डर केस अब धीरे धीरे एक आकार लेने लगा था। हाँ राजू सुन, तेरे लिए एक और काम, एक औरत की कुंडली निकालनी है, जल्दी। रुके। मैं सच कह रही हूँ, मैं इन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानती। कुलप्रीत का कहना है कि आप लोगों ने दिन रात प्रेमवीर के गुस्से को सुना हो जब वो इन पर चिल्लाता था। ताली कभी एक हाथ से बजी है सर? क्या मतलब? मतलब दोनों चिल्लाते थे, कभी कभी तो तीनों। किन बातों पर? ये पूछिए किन बातों पर नहीं, आप मोहल्ले में किसी से भी पूछ लीजिए। इन पति पत्नी के बीच बातें कम और शायद झगड़े ज्यादा होते थे। आपका मतलब है कि कुलप्रीत भी चिल्लाती थी? अगर वो आदमी गला फाड़ता था तो ये छप्पर फाड़ती थी। रात भर इनके झगड़े, हमारी तो नींद खराब होती थी। वाह साहब, क्या मस्त चाय है, एकदम रबड़ी जैसी मीठी। कुलप्रीत बता रही थी कि जब चाय ज्यादा मीठी हो जाती थी तो उसका पति उस पर चिल्लाता था, उसे पीटता था। सच कह रही है साहब, पर पूरा सच नहीं, क्योंकि जब बाजवा उसे पीटता था तो कुलप्रीत उसे नोचती थी। उसके बेडरूम में क्या क्या होता था ये तुझे कैसे पता? आप ही लोग से पता चला है साहब। मतलब साहब अपने को चिड़िया बोली कि भाई बाजवा और उसकी पत्नी कुलप्रीत पुलिस में गए थे, औरत ने धमजाला पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई। अब धमजाला पुलिस स्टेशन तो अपना ससुराल है ना साहब, वहाँ के हेड कॉन्स्टेबल रतनाम सिंह जी ने फाइल खोल दी। फाइल पुरानी थी लेकिन खबर तो नहीं है ना साहब। झूठ बोल रही है, मैंने नहीं मारा इसे। मैं झूठ बोल रही हूँ साहब? ये देखिए, ये क्या मैं घर से मेकअप लाली लगा कर आई हूँ? आप मेकअप लाली तब लगाती है जब घर पर कोई नहीं होता, समझ रहे हैं ना आप? पता नहीं कौन आकर उतार जाता है इसकी लाली। देखा ना आपने क्या बकवास कर रहा है ये आदमी साहब, ये तो कुछ भी नहीं है। जब ये आदमी बोलना शुरू करता है ना तो पूरा मुँह पैखाना बन जाता है। चुप कर, मुँह तोड़ दूंगा तेरा मैं। मैं चुप बैठूंगी? मैं तो कहती हूँ साहब इस आदमी के दोनों हाथ तोड़ दो, ना हाथ होंगे ना मुझ पर हाथ उठाएगा। साहब मैं हाथ पता क्यों उठाता हूँ इस पर? क्योंकि ये पता है वो और मेरी लड़की को भी है, वो बना देगी और कुछ। कितना नीच आदमी साहब, आपने देखा ना कितना नीच आदमी है। अरे तू चुप रह, नहीं तो मारूंगा। मैं भी चुप नहीं बैठूंगी यार, मैं हाथ तोड़ूंगा। चुप रह तू, बस बहुत हो गया, चुप रहो तुम दोनों। सरजीत, धमजाला पुलिस स्टेशन से इस केस के सारे पेपर्स मांगो। सर। राजू, और क्या क्या पता चला? साहब वो जो केस फाइल किया था कुलप्रीत ने वो वापस ले लिया, क्योंकि वहां के साहब ने पति पत्नी के बीच में समझौता करवा दिया था। अच्छा राजू, इस कुलप्रीत का वाकई में कोई चक्कर था क्या? अब ऐसा है ना साहब कि ताली एक हाथ से भी बच सकती है, और खासकर वो ताली जो खाली दिमाग में बजती है या कूड़े से भरे दिमाग में। बाजवा उसको शक करता था जबरदस्त, कुछ पड़ोसियों से बात की, उसकी फैक्ट्री में भी पूछा, हर आधे घंटे में फोन करता था साहब, शक की नजर रखता था। और वो साहब वो सस्ती सवरती तो है पर चक्कर का सुना नहीं, शायद चक्कर नहीं है, या चक्कर है तो बहुत ही चलाक चक्कर है, एकदम डीप वाला। पुलिस को प्रेमवीर बाजवा की पत्नी कुलप्रीत पर शक करने के अच्छे खासे कारण मिल गए थे। उन्होंने कुलप्रीत के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाकर उन्हें अच्छी तरह से स्कैन किया, लेकिन उसमें से उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा। लेकिन फिर भी कुछ छोटे सुराग उनके पास थे जरूर, और फिर टाइमिंग और तकदीर ने भी उनका साथ दिया। तू अपने कमरे में जा। मैं देखती हूँ ना। मैंने कहा ना अपने कमरे में जा, और ये बैग्स लेके जा। हमें आपसे कुछ और भी बातें करनी है। क्या बात है? बात यह है कुलप्रीत जी, क्या हमें लग रहा है आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? मैं कुछ छुपा रही हूँ आपसे? क्यों क्यों छुपाऊंगी? ये तो हम बाद में पता लगा लेंगे, पहले आप ये तो कबूल कीजिए कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं।
जी मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही। प्रेमवीर गला फाड़ता था तो कुलप्रीत छप्पर फाड़ती थी, ऐसा एक आपकी पड़ोसन ने बताया, जबकि आपका कहना है कि आप चुपचाप सिर्फ सुनती थी। चिल्लाता आपका पति था। तो आप मेरी बात को झूठ और पड़ोसनों की बात को सच मान रहे हैं? हम सच को मानते नहीं हैं, बल्कि सच तक पहुंचते हैं। मिसेज बाजवा, आपने हमसे एक और सच छुपाया, पड़ोसियों से नहीं हमसे छुपाया, और सच छुपाने को हमारी भाषा में झूठ बोलते हैं। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है सर। आपने झूठ बोला है, हमारे रिकॉर्ड में है आपका झूठ। आपने हमसे कहा कि आपके पति और उसके बड़े भाई सुखबीर के बीच रोज बातें होती थी। सुखबीर भाई साहब का रोज फोन आता था, घंटों बातें होती थी दोनों के बीच। लेकिन सुखबीर का कहना है कि महीने में एक आध बार बात होती थी। महीने में एक आध बार मेरी उससे बात होती थी तो वो हमेशा खुश दिखाई देता था। रोज बातें होना और महीने में एक आध बार बात होना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है मिसेज बाजवा, उतना ही बड़ा फर्क जितना सच और झूठ में। दो इंसान में गहरा प्यार होता है तो फिर वो भले ही महीने में एक बार बात करें, लेकिन ऐसा लगता है कि वो लोग रोज रोज बात कर रहे हैं। आप मेरे पति के कातिलों को ढूंढने की बजाय मेरे घरेलू मामले में दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं? ऐसा पहली बार तो नहीं है मिसेज बाजवा जब पुलिस आपके घरेलू मामले में दखलंदाजी कर रही हो। जी मैंने आपको नहीं बताया कि मैंने प्रेम के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की थी कुछ साल पहले। 5 साल पहले सीरियस केस दर्ज किया था, डोमेस्टिक वायलेंस। हाँ ये सच है। क्या मैं जान सकता हूँ कि इतना बड़ा सच उस वक्त आपने हमसे क्यों छुपा? देखिए जिस वक्त आपने मुझसे पूछा था उस वक्त मेरी बेटी वहाँ पर थी और मुझे उसके सामने ये बात नहीं उठानी थी, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस वक्त वो यहाँ पर नहीं है, अब तो आप हमें बता सकती हैं कि क्या माजरा था उस केस का? जी वो आपका फोन ये रहा और लैंडलाइन आपका खराब। प्रेमवीर का फोन हमारे पास है तो फिर किसका फोन बचा? लगता है उधर से आवाज आती है। देखो मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ बाय। जब किसी मर्डर केस में हत्यारे अज्ञात होते हैं और पुलिस के पास कोई सुराग नहीं होता तो उसे ब्लाइंड केस करार दिया जाता है। ऐसे केसेस में तहकीकात पेड़ की जड़ की तरह हर दिशा में जाती है, लेकिन आखिर में पुलिस जुर्म की जड़ को पकड़ ही लेती है। इस केस में पुलिस को घूम घाम कर आखिरकार पीड़ित प्रेमवीर बाजवा के घर में ही एक लीड मिली थी। प्रेमवीर बाजवा की पत्नी कुलप्रीत और बेटी आंचल पुलिस से कौन सा राज छुपा रहे हैं और क्यों? प्रेमवीर बाजवा के हत्यारे कौन थे जिन्होंने कुदाल और फावड़ों से उस पर हमला किया था? सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू दी गई इस सुपारी के पीछे असली कारण क्या था? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।